हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस, जी, लाउड एंड क्लियर। स्वागत है आपका राखी जी। धन्यवाद दीदी, थैंक यू। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम राखी है और आज का मेरा टॉपिक फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा। सबसे पहले मैं पितामह पत्री जी को अभिनंदन करती हूँ, उनको नमन करती हूँ। उसके बाद अपनी गुरु माँ प्रज्ञा दीदी को। लोग सोचेंगे कि शायद मैंने गुरु माँ क्यों बोला है प्रज्ञा दीदी को। वो इसलिए कि मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव उन्हीं की वजह से आया। वो मेरे लिए, अगर पितामह पत्री जी गुरु हैं तो वो मेरे लिए गुरु माँ हैं। उन्होंने मेरी जिंदगी को एक ऐसा मोड़ दिया, एक ऐसा रास्ता दिया जिसपे चलते हुए आज मैं यहाँ तक एक फॉरगिवनेस जैसे शब्द पर, एक ऐसे टॉपिक पर बोल रही हूँ जो मेरी डिक्शनरी में कभी था ही नहीं, जिसको मैंने कभी जाना ही नहीं कि क्षमा आखिर क्या होता है। क्योंकि मेरे को ये लगता था कि अगर मुझे किसी ने कभी भी कुछ भी बोल दिया है तो मैं उसको जल्दी क्षमा कर ही नहीं पाती थी। बहुत देर तक नाराज रहती थी, और जब तक, अगर वो मुझे मिल जाता बंदा ठीक, अगर वो मुझे नहीं मिलता तो मैं अकेले में उसको डांटती रहती थी जब तक कि मेरे मन को शांति ना पाए। प्रज्ञा दीदी के सानिध्य में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद, पता नहीं मैंने क्या खो दिया, अपनी जिंदगी के साल कितने बर्बाद कर डाले। आज वही एक फॉरगिवनेस जो मेरी डिक्शनरी में नहीं है, उसके लिए मुझे बोलने के लिए प्रिपेयर किया है दी ने, और वो मैं बोल रही हूँ। अगर कहीं कोई कमी रह जाए, कोई गलती रह जाए, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। उसके बाद अपने सभी मास्टर्स एंड प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फ्रेंड्स को नमस्कार करती हूँ, और मैं बताती हूँ कि आज की क्षमा का मतलब जो बीत गया उसे जाने देना है। ये नहीं कि जो बीत गया है वही क्षमा है। क्षमा का मतलब है कि जो बीत गया है उसको जाने दें, चले जाने दें। मानव जीवन में व्यवहार, एहसास के बड़े मायने हैं। आज हम क्षमा के बारे में, उस महत्व के बारे में ही माय फ्रेंड्स बात करेंगे। अक्सर कहा जाता है कि मानव इंसान जो आवाज कट रही है। राखी जी का म्यूट हो गया था। राखी जी हाँ, आप म्यूट, म्यूट, अब ये म्यूट कर ले अपने आपको पहले। पता नहीं राखी जी आप म्यूट हो गए हैं, कैसे म्यूट हो गए? राखी राखी जी, हेलो राखी, जी आप म्यूट हो गए हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। पता नहीं कैसे म्यूट हो गए। हेलो हेलो, उनकी आवाज भी नहीं आ रही है। मैं उसके राखी जी, मैंने बीच आपको का अनम्यूट के लिए ऑप्शन भेजा है, आप अपने आप को अनम्यूट कर उसको लें। सुधार भी लेता है। वो सोचता है कि उसने जो करा है वो क्या कर दिया, उसने जो बोला है वो क्या बोल दिया, उसने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से उसके रिश्ते इतने खराब हो गए। राखी जी आपका थोड़ा लेकिन मिस हो गया है, एक दो उसको तीन याद मिनट आता है कि का। शायद मैंने ये गलती की है, हेलो उसकी राखी, वजह से वो अपने चिंतन करके, सोच के अपने उस रिश्ते को, उनकी अपनी उस नेटवर्क गलती को बैंडविड्थ सुधार भी लो देता है। है। हाँ, राखी हेलो जी, राखी, राखी जी एक कभी मिनट। किसी मनुष्य की किसी से अच्छी कौन? दोस्ती हो जाती है तो किसी परिवार वाले सदस्य से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, और कभी किसी बाहर वाले से परिवार जैसी दोस्ती हो जाती है। वो उन लोगों से वही रिश्ता निभा सकता है, उन लोगों के साथ तभी आगे तक चल सकता है जिसके पास क्षमा मांगने जैसी शक्ति हो, और उसको क्षमा करने की इतनी ताकत हो, क्षमा करने में वो कंजूसी ना कर सकता हो। अभी वही अपने ऐसे रिश्ते को निभा सकता है। जैसे कि मैंने बताया माय फ्रेंड्स कि क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं, इसका अर्थ अपराधों को क्षमा करना है, अपराधों को अनदेखा करना है, उन अपराधों को एक तरफ कर देना है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि क्षमा एक बिगड़े हुए रिश्ते को, या ये कहें कि एक खराब रिश्ते को, ऐसे भी कह सकते हैं एक क्षतिग्रस्त रिश्ते को, जो हमारे रिश्ते कभी खराब हो जाते हैं, उस रिश्तों को भी सुधारना क्षमा है। हम क्षमा से ऐसे अपने सब रिश्तों को एक संवार सकते हैं, एक नया रास्ता दे सकते हैं। क्षमा
उस आदमी के साथ, क्षमा, उस आदमी के साथ एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए किसी को कभी भी बाध्य नहीं करती जिसने आपको कभी नुकसान पहुंचाया है। क्षमा ये नहीं कहती कि अगर आपको उसने नुकसान पहुंचा दिया है तो आप उसके साथ जबरदस्ती जाकर बोलो। जिसने आपको बजाय क्षमा करा या आप क्षमा करना चाहते हैं उसे, तो वो रिश्ते आपके अपने आप ही बहुत अच्छे हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम क्षमा भी करना चाहते हैं लेकिन क्षमा नहीं कर पाते, और हमारे मन में बहुत ऐसी बातें हैं जो हम कहना चाहते हैं नहीं कह पाते। इसके बजाय क्षमा क्षमा करने वालों को शांति भी देती है, और उस इंसान को क्षमा करने से क्रोध से मुक्त भी करा देती है। माय फ्रेंड्स, यहीं पे मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगी। मेरी खुद की भाभी जो इस ग्रुप में भी है आत्म जागृति में, और जो ज्वाइन भी करती हैं और जो रोज मेडिटेशन भी करती, उन्हीं के साथ मेरे कुछ रिश्ते कभी खट्टे मीठे कह सकते हैं हो गए थे। तो एक दिन मैंने प्रज्ञा दीदी से शेयर किया कि दीदी ऐसे ऐसे हैं। उन्होंने कहा राखी, जब आप ध्यान करते हो तो उनको क्षमा कर दो, उनको क्षमा कर दो, उनसे क्षमा मांग लो। मैंने ध्यान में बैठ के उन्हें क्षमा करना शुरू करा, उनसे क्षमा मांगना शुरू करा। एक दिन सामने से मेरी भाभी का फोन आया, वो मुझसे बोली, हेलो दीदी कैसे हो? मैंने कहा अच्छी हूँ। दी आप मुझे याद कर रहे थे? मैंने कहा हाँ मैं आपको याद कर रही थी। बोली दीदी मुझे सपनों में आप दिखाई देते हो कि शायद आप मुझे याद करते हो। उस वक्त मेरा मन बहुत भर आया और शायद मैं रोने रोने जैसी लगी कि जो रिश्ते मेरे इतने खट्टे से हो गए थे और जिन रिश्तों में मैं चाहती थी अपनी भाभी से बात करना, और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा ईगो हर्ट हो जाता था और मैं बात नहीं करती थी, सिर्फ उन्हें बिना देखे और उनसे बिना बात करे और क्षमा मांगने से ही आज वो मुझे सामने से ही बोली कि दीदी आप मुझे सपनों में दिखाई देते हो। तो आप ही सोच सकते हैं कि क्षमा में फिर कितनी ताकत है। मैं ये कहूंगी फ्रेंड्स कि किसी के भी प्रति नाराजगी को पकड़ना, अपने मन को खट्टा करना, वो आपकी मन की शांति को पाने को रोक सकता है। वो आपको कभी अपने मन की शांति नहीं पाने देगा। जब तक आप किसी को क्षमा नहीं करते तो आपके कभी भी भावनात्मक घाव भर नहीं सकते और कभी भी वो ठीक नहीं हो सकते। जब आप किसी को क्षमा करते हैं, अगर आप अपने मन से किसी को क्षमा कर देते हैं, तो आप ये नहीं कह रहे कि आपने जो किया वो अच्छा था, वो ठीक था, जी मैंने क्षमा कर दिया, देखो मैंने उसको क्षमा कर दिया, उसने मेरे साथ इतना किया और मैंने उसको क्षमा कर दिया। नहीं, इससे अगर आप उसको क्षमा करते हैं तो इससे आपकी अनसुलझी अटकी हुई भावनाएं, जो आपकी भावनाएं अटक गई हैं, सुलझ नहीं पा रही हैं, उनको उसको अपने बोझ से, अपने दिल के बोझ से उतारने का फैसला कर लेते हैं। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो अपने दिल से उसके बोझ को उतार देते हैं। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और बताना चाहूंगी। कैलिफोर्निया में सैन डियोगो में एक डॉक्टर हैं, किम एगेल। वो कहते हैं कि क्षमा आपको अपने दर्द को हल्का करने के लिए मदद करती है। राखी को रुक गया, आवाज नहीं आ रही। और आक्रोश को दूर करने में मदद करती है। माय डियर फ्रेंड्स, क्षमा के कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। अगर आप किसी को क्षमा कर देते हैं, आपके मन पे कोई बोझ नहीं रहता, तो उससे आपका बीपी भी कंट्रोल रहता है। अगर आपका बीपी भी कंट्रोल रहता है और आप किसी को क्षमा करते हैं, तो आपको जो ये लगता है कि भाई ये मेरी भाभी थी, ये मेरी बहन थी, आज मैंने इनको गुस्से से बोल दिया है, आज मैं इनसे नाराज हो गई हूँ, तो मेरा रिश्ता खराब हो गया है, जो एक चिंता, जो एक मन में कहीं ना कहीं दुख आ जाता है, क्षमा आपको उससे भी मुक्ति दिलाती है। जब आपका बीपी कंट्रोल हो जाता है, आपकी चिंता दूर हो जाती है, तब
आपको रात को नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि आपके दिल पे कोई बोझ नहीं होता, आपके मन में कोई शिकायत नहीं होती किसी के प्रति। डियर्स, इसके अलावा क्षमा आपके पूर्ण रिश्तों को भी अच्छा बनाती है, क्योंकि जिस रिश्ते जो बहुत दूर जा चुके हैं, जिन रिश्तों को आप वापस चाहते हैं, जिन रिश्तों को आप अपने पास वापस लाना चाहते हैं, क्षमा उन रिश्तों को दोबारा आपके पास ले आती है, आपके पूर्ण रिश्तों को पहले जैसा बना देती है। क्षमा आपके मेल मिलाप, इवन वो आपके दोस्त हैं, ऑफिस में काम करने वाले क्लीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड, सबको आपस में मिलाने में सहायता करती है। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, शायद मुझे इतना तो नहीं आता बोलना, लेकिन फिर भी जितना मुझे अब समझ आया है कि क्षमा से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्षमा हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, उससे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप अपने संपर्क को शुरू किए बिना या अपने रिश्ते को वापस लिए बिना माफ कर सकते हैं। अगर आप अपने रिश्ते को शुरू किए बिना, उसके संपर्क में आए बिना माफ नहीं कर सकते, तो आपकी माफी माफी नहीं है दोस्तों, वो एक फॉर्मेलिटी है जो आपने कह दिया, अच्छा ठीक है मैंने उसको क्षमा कर दिया, ठीक है मैं उसको क्षमा कर चुकी, नहीं। इसीलिए सबसे पहले अगर हमने माफ कर दिया है तो उसको अपने जीवन में अपने मन से उसको माफ करना पड़े। क्षमा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर इंसान गलती करके सामने वालों से माफी मांग ले, माय फ्रेंड्स, अगर हम कोई गलती करके सामने वाले से कोई माफी मांग लें, तो उसका काफी जो गुस्सा है उसके अंदर, तो वो काफी हद तक कम हो जाता है। क्योंकि मेरा तो गुस्सा ऐसा ही था, क्योंकि जब तक मैं लड़ नहीं लेती थी मेरा ही गुस्सा शांत नहीं होता था, तो मुझे ऐसा लगता था, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर किसी को मैंने कुछ बोल दिया है तो नाराज ना होके तुरंत अपने माफी मांग लूं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। और अगर वो मुझे क्षमा नहीं कर पा रहा या मैं उसे नहीं कर पा रही, तो ध्यान, प्रज्ञा दीदी ने हमें वो रास्ता दिखाया है, स्पिरिचुअल का एक वो पगडंडी हमें दी है जिस पे धीरे धीरे चलकर हम आगे जा रहे हैं। शायद हमें ऐसी गुरु माँ पहले मिल जाती तो आज हमारा जीवन ऐसा, मैं औरों के लिए नहीं कहूंगी फ्रेंड्स, मैं अपने लिए कहूंगी कि शायद मेरा जीवन और सुधर जाता और मैं थोड़ा स्मूथ हो जाती। जिस तरह क्षमा मांगना एक अच्छा गुण है, उसी तरह क्षमा कर देना भी एक बहुत अच्छा गुण है। अगर आप किसी को क्षमा कर देते हैं फ्रेंड्स, तो वो आपके व्यक्तित्व को बहुत निखारती है। ऐसी कौन सी चीज है फ्रेंड्स जो हम चाहते तो सबसे हैं लेकिन दे किसी को नहीं सकते? वो चीज है क्षमा। क्योंकि हम ये तो चाहते हैं कि सब हमें माफ कर दें, हमने गलती कर दी वो हमें माफ कर दे, उसने हमें गलती कर दी उससे हमें माफ कर दे, लेकिन हम जल्दी खुद किसी को माफ नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं हम उस हमारे मन में उसके प्रति नाराजगी रहती ही है। मैं ये कहूंगी फ्रेंड्स कि हम सभी से जाने में अनजाने में गलतियां होती रहती हैं। जब हम खुद कोई गलती करते हैं तो सामने वाले से अपेक्षा करते हैं कि वो हमें माफ कर दे, अक्सर कि अगर हमने कोई गलती कर दी है तो वो हमें माफ कर दे, लेकिन हम उसे माफ नहीं कर पाते, अक्सर ऐसा होता है। मैं ये कहूंगी फ्रेंड्स कि क्षमा एक शक्ति है, एक पावर है, दुर्बलता नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अगर हमने उसको माफ कर दिया या उसे हमने माफी मांग ली तो भाई वो सोचेगा हम कितने कमजोर हैं, हमारी गलती थी इसीलिए हमने माफी मांगी। नहीं, क्षमा एक शक्ति है। अगर हम किसी से क्षमा मांगते हैं तो वो भी हमारी एक पावर है, जो हमने किसी से, हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम अब गलती करके सामने वाले से माफी मांग रहे हैं और दोषी को दंड नहीं दे रहे हैं। दोषी को दंड ना देना और उसे क्षमा मांगना, यही एक क्षमा की शक्ति है। माय डियर फ्रेंड्स, क्षमा शत्रुता का भी नाश करती है। जो क्षमा मांगना ना जानते हैं और ना ही क्षमा करना जानते हैं, वह अपने लिए, मैं ये कहूंगी फ्रेंड्स, जो लोग किसी को क्षमा नहीं कर सकते और जो किसी से क्षमा भी नहीं मांग सकते, वो लोग धरती पर
एक जीते जागते नर्क की सृष्टि करते हैं। प्रेम और क्षमा, किसी पर भी अगर आपके अंदर प्रेम और क्षमा है तो आप किसी पर भी विजय पा सकते हैं। खुद अपने आप को संसार में खुश और सुखी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मेरे खुद के बहुत एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद अजमाए हैं। मेरी छोटी भाभी जिनकी शादी हुई और 2 साल से वो घर नहीं आई, मेरी उनसे कुछ छोटी सी बातें बहस हो गई थी, मैंने उनसे माफी मांगनी शुरू करी, क्षमा कर मांगना शुरू करा, उन्हें क्षमा करना शुरू किया। उन्होंने खुद से मुझे फोन करके कहा, क्या मुझे लेने नहीं आओगे क्या? तो इसीलिए मैं फ्रेंड्स ज्यादा तो नहीं कहूंगी, लेकिन सिर्फ इतना ही कहूंगी कि क्षमा का हमारी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर हम ध्यान में किसी से क्षमा मांगते हैं या किसी को क्षमा कर देते हैं तो शायद हम अपने लिए बहुत सारे रास्ते आसान कर लेते हैं। बहुत सारे रास्ते आसान कर लेते हैं, हमारे अपने बच्चों के साथ रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, अपने पति के साथ भी हम रिश्ते अच्छे कर पाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आज मुझे पता चलता है कि जो गलतियां मैंने करी हैं कोई ना करे, और इसीलिए आज मैंने ये छोटा सा टॉपिक क्षमा जिसपे मैं बोली हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी। और मेरी प्रज्ञा दीदी और सब मास्टर्स को हाथ जोड़कर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छे से बोला राखी जी आपने, थैंक यू। ऐसे नहीं लगा कि आप फर्स्ट टाइम बोल रही हैं। और एक बात आप मुझे गुरु मान की आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज आ रही है राखी जी के एंड पे, शायद कुछ दिक्कत है। अच्छा, मैं कह रही थी मुझे गुरु मान ना कहे, गुरु नहीं, हम यहाँ सारे गुरु हैं। मार्गदर्शन जरूर कराए क्योंकि मुझे भी मिला था, तो मैंने जो मिला वो आगे बांट दिया। थैंक यू राखी जी, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे। राखी जी आपको आवाज आ रही है? हेलो दी, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। आप फिर से बोलिए। अच्छा, मैं कह रही थी मुझे आप एक तो गुरु माँ ना कहे, मैं माँ नहीं हूँ। अब आई आवाज, गुरु माँ नहीं बनना चाहती मैं। राखी जी आपको आवाज आ रही है? उनको नहीं आ रही मेरी आवाज, लग रहा है। राखी जी आपको आवाज आ रही है अभी भी किसी की? नहीं नहीं भैया, मुझे आवाज नहीं आ रही। फिर अभी जवाब भैया, मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा, और सबको आ रही है मेरी आवाज क्या? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर है मुझे लग रहा है। राखी जी एक बार अगर काट के वो कट जाएगा ऊपर, हमें ऐसा करो ऊपर जस्ट सेटिंग करते हैं। हेलो, अब आपको आवाज आ रही है राखी जी? राखी जी अब आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, नहीं आ रही को तो आवाज़ आ रही है? दी आ रही आवाज़ आ रही है? आ रही है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मुझे आ रही थी आपकी सारी आवाज, सबको आई है, बहुत अच्छा बोला। मुझे नहीं आ रही। हाँ, मैं कह रही थी कि आप मुझे राखी प्रज्ञा माँ ना कहें, गुरु ना कहें, गुरु माँ ना कहें, गुरु सारे ही हैं यहाँ पर। देखिए, आप भी गुरु बन गए ना, बस अंदर जो छुपा था वो निकाला है ना। तो मैं मार्गदर्शन करने वाली हूँ आपका, बस और कुछ नहीं। मुझे भी मार्गदर्शन मिला, ऐसे आपको भी दिया, बहुत सुंदर बताया आपने, बहुत अच्छा लगा सुन करके मुझे। और ये सारी आपने जो क्षमा मांगी है, सारी ध्यान में ही मांगी है ना? हाँ जी दीदी, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था राखी जी आपका। और जो आपने बताया शुरुआत में कि मतलब मैं देख रहा हूँ ग्रोथ कितनी हुई है कि आप कह रहे हो शुरुआत में बिल्कुल फॉरगिव नहीं कर पाती थी, और आज आपकी ग्रोथ हुई है कि आप आज फॉरगिवनेस के टॉपिक पे आप टॉक दे रही हैं। और जो एक्सपीरियंस आपने बताया वो अमेजिंग एक्सपीरियंसेस बिल्कुल। अगर भैया मुझे जैसे इवन ना जैसे कोई प्रज्ञा दीदी के पास भी आता था, उनसे बोलता था, तो मुझे जलन हो जाती थी कि वो मेरे को मेरे पास क्यों नहीं आता, वो मेरी दीदी मुझे क्यों नहीं प्यार करती, ये दीदी के पास क्यों आ गया, अकेले में बोलती रहती थी। पर दीदी ने कहा कि नहीं राखी, ऐसा नहीं है, तुम अपने आप को बदलो, माफी मांगो, क्षमा मांगो। भैया आज मेरे को कुछ नहीं है, अब मैं अकेले बात नहीं करती,
अकेले में बड़बड़ाती नहीं, किसी को कुछ नहीं कहती, गुस्सा नहीं होती, अब कुछ नहीं करती। ग्रोथ देखिए आपकी बहुत अमेजिंग है। थैंक यू भैया। मुझे भी बताया था कोई कुछ कह दे तो मैं से कई दिन तक कुछ बोलती थी और घर जाके भी बोलती थी। हाँ जी जी। मदर इन लॉ का भी एक जो है आपका शुरू में रुक गया था, आपने शायद सुनाया था कि मदर इन लॉ का अपना एक्सपीरियंस। हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली मेरी आवाज नहीं आई थी वो तब रुक गई थी आपकी आवाज, वो सुना दीजिए आप। हाँ, मेरी मदर इन लॉ है, उनके साथ मेरे रिश्ते हमेशा खट्टे मीठे रहे। वो मुझे कुछ कुछ कहती थी, मैं उनको भी कुछ कुछ कह देती थी, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अभी वो 10 तारीख से एक्सपायर हो गए और मेरी जो नंद है, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ, उन्होंने मुझे बोला भाभी मम्मी आपको सारी ज्वेलरी दे गई है, आप जैसे भी हिस्सा करना चाहें, जो करना चाहें, जिसे करना चाहें कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी दी, ध्यान में ही क्षमा मांगी उनसे। हेलो, अटक गया। मैंने उनसे ध्यान में क्षमा मांगी ना दी, तो उन्होंने मुझे अपनी सारी ज्वेलरी दे दी और कहा कि मेरी नंद को बोल के गई थी कि जो भी है सब राखी को देना, वो अपने तरीके से सबको देगी। मुझे दीदी वैसे यकीन तो नहीं आया पर लेकिन ठीक है, इतना विश्वास, इतना विश्वास, इतनी अच्छी बात है जो बिल्कुल पसंद है। क्षमा की शक्ति।